स्टार प्लस के पॉपुलर शो चंद्र नंदिनी में आखिरकार चंद्र को मिल गई है मोहिनी और भीमदेव की आत्मा से मुक्ति, वो भी बिना नंदिनी को अपनी जान की आहुति दिए। लेकिन ये कैसे हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि अब तक हमने शो में देखा था कि किस तरह से चाणक्य नंदिनी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि अगर वो चंद्र के शरीर में से मोहिनी और भीमदेव की आत्मा को निकालना चाहती है तो उन्हें अपने प्यार की आहुति देनी होगी, यानी कि उन्हें अपनी जान त्यागनी होगी, वो भी हवन कुंड में। अब ये बात सुनने के बाद नंदिनी तैयार तो हो जाती है क्योंकि वो चंद्र से बहुत ज्यादा प्यार करती है और किसी भी हाल में चंद्र को मोहिनी और भीमदेव की आत्मा से बचाना चाहती है। तो इसी के चलते अपनी जान की आहुति न देते हुए नंदिनी भद्र केतु के साथ मिलकर एक बड़ा ही शातिर प्लान बनाती है जिसके तहत वो हवन कुंड के पास यानी कि यज्ञ के पास चंद्र को ले आती है। हालांकि चंद्र वहां आने से आनाकानी करते हैं लेकिन फिर भी किसी तरह भैला फुसला कर नंदिनी और भद्र केतु चंद्र को हवन के पास ले आते हैं जहां पर पंडित मिलकर चंद्र के लिए हवन कर रहे होते हैं। तो वहीं पर जैसे ही चंद्र और नंदिनी दोनों एक साथ इकट्ठा होते हैं तो तुरंत ही नंदिनी चंद्र के साथ हवन कुंड में छलांग लगा देती है जिसकी वजह से हवन कुंड में जाने के बाद चंद्र के शरीर से मोहिनी और भीमदेव की आत्मा अपने आप मुक्त हो जाती है, यानी कि अपने आप ही निकल भागती है जिसकी वजह से चंद्र एकदम सामान्य हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से भद्र केतु और नंदिनी मिलकर चंद्र को भीमदेव और मोहिनी की आत्मा से बचा लेते हैं। तब इसके अलावा शो में और क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी जगत से जुड़ी तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम।